सतत विवाद के बावजूद मालदीव्स को जरूरी सामान भेजता रहेगा। मालदीव में मौजूद भारतीय हाई कमीशन ने बताया कि मोइजू सरकार की अपील पर भारत 2024-25 के लिए मालदीव में जरूरी सामानों का एक्सपोर्ट जारी रखेगा। सामान की जो मात्रा तय की गई है वो 1981 के बाद सबसे ज्यादा होगी। हालांकि अभी साफ नहीं किया गया है सामान कितना होगा। भारत सरकार ने देश में चावल, चीनी और प्याज जैसी रोजमर्रा की चीजों के दाम काबू में रखने के लिए इनके एक्सपोर्ट पर फिलहाल रोक लगा रखी है, लेकिन अब सरकार ने घोषणा की है कि प्रतिबंधों के बावजूद मालदीव्स में इन सामानों की सप्लाई जारी रहेगी। हाई कमीशन के मुताबिक कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इस्तेमाल होने वाली नदी की रेत और पत्थरों का 10-10 लाख मीट्रिक टन एक्सपोर्ट किया जाएगा। इसमें 25% की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा अंडे, आलू, आटा और दाल के कोटे को भी 5% बढ़ाया गया है।